Namaste everyone. Welcome back to Dr. Pai's Astrology Channel. Today we have with us very lovely Dr. Piyush. Namaste and welcome. Thank you. So today the topic that Dr. Piyush has brought is nine planets कैसे behave करते हैं and what is the root cause or the problem that we face? Which planet? Is that what it is? यस सी देखिए, नाइन प्लैनेट कैसे बिहेव करते हैं वो तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ, हमारा वीनस ऐसे बिहेव करता है, सैटर्न ऐसे बिहेव करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़े ना या चार्ट को रीड करें तो उसमें हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक, ये तीनों इंपॉर्टेंट, बिना तीनों के कोई इवेंट नहीं हो सकता आपकी लाइफ। अगर आपको मैरिज देखनी है, आपको अपना करियर देखना है, तो आपको हाउस देखना पड़ेगा, रिलीवेंट हाउस लॉर्ड देखना पड़ेगा, उसका सिग्निफिकेटर क्या है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, हाउस हाउस लॉर्ड देखा, कारक को इग्नोर कर देते। तो तीनों का ही रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देखिए, जितने भी आपके प्रॉब्लम है लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो आपका करियर का प्रॉब्लम, आप मोस्टली देखेंगे हमारे खुद के डिसीजन ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं या गाइड सही गाइडेंस नहीं फॉलो करते और फिर सफर। तो इसमें दो चीजें, हमारे यहाँ नाइन प्लैनेट हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक है नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलिफिक। तो सैटर्न, मार्स, राहु, केतु नेचुरल मैलिफिक, जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, मरकरी तो न्यूट्रल है, जुपिटर, वीनस और मून ये नेचुरल आपके बेनिफिक। सन क्या है, वो मैलेफिक तो नहीं है बट एक तरीके से क्रूर ग्रह आप समझ सकते, तो वो पैसा प्रॉब्लम नहीं देता। हाँ, लेकिन जिस भी हाउस में होगा वहां आपको सफर तो करना पड़ेगा, इजिली चीजें नहीं मिलती। लेकिन मैंने देखा है मैरिज के केस में सन एक मैलेफिक की तरह ही बिहेव करता है। जब मैरिज की बात आएगी तो आप देखिएगा, सेवेंथ हाउस नवांश का हो, लगन का हो, सन है तो वहां पे प्रॉब्लम देगा ही। अब ये जो नाइन प्लैनेट होते हैं ना, सारे प्लैनेट किसी ना किसी चीज के कारक। वीनस आपकी मैरिज का कारक है, सैटर्न आपके करियर का कारक है, ठीक, जुपिटर वेल्थ का कारक है, आपकी विजडम का कारक। ये नाइन प्लैनेट एक तरीके से अलग अलग एरिया में हमारा डिसीजन या हमारा इंटेलिजेंस बता रहे होते हैं किस तरीके से हम बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा चार्ट हमको ही रिप्रेजेंट। या नाइन प्लैनेट को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया में आपकी लैंग्वेज है, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वीनस क्या है, वीनस आप बताता है कि लव और रिलेशनशिप में आपका टेस्ट क्या है, कैसे आप खुद को एक्सप्रेस कर। मरकरी बताता है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सैटर्न बता रहा है कि आप किस तरीके से काम कर। ठीक है, अब बाकी चीजें अलग बात है कि हम वीनस से मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने स्पाउस का बिहेवियर देख रहे हैं, हमारा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, सैटर्न से अपना करियर देखते हैं, वो तो है ही, मरकरी से आप बाकी चीजें देख रहे हैं, जुपिटर से आप अपना नॉलेज देख रहे हैं, अपने गुरु को देख रहे। तो जितने प्लैनेट है उस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि वो हमारा डिसीजन मेकिंग बता रहे हैं। जैसा हमारा इंटेलिजेंस होगा, जैसा हमारा डिसीजन होगा, वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस होगा, और इसीलिए जितने कारक हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आपका एक्सपीरियंस बताते। बट वो एक्सपीरियंस आया कहाँ से, वो एक्सपीरियंस हमारे ही इंटेलिजेंस से आया ना, या हमारे ही बिहेवियर से आया है ना, तो उस पार्ट को हम हमेशा इग्नोर करते। तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग प्लैनेट जो है अलग अलग एरिया में, जिन चीजों के वो सिग्निफिकेटर है, वो वहां पे बता रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस कैसा बिहेव कर रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस के साथ साथ आप सही डिसीजन ले रहे हैं कि गलत डिसीजन ले रहे हैं, और यही हमारी रूट कॉज का प्रॉब्लम, सॉरी, हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जितने प्लैनेट हैं जो किसी ना किसी चीज के सिग्निफिकेटर हैं, उनके साथ जब भी मैलेफिक बैठ जाए, नेचुरल मैलेफिक, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, इस तरीके के, या सिक्स हाउस के लॉर्ड, एट्थ हाउस के लॉर्ड, मतलब जो ब्रॉड वे में हम जिनको समझते हैं कि हमें प्रॉब्लम देंगे, आप कभी भी देखिएगा कि आपका ही डिसीजन उस एरिया में खराब हो। हम क्या कर रहे होते, हम भी ब्लेम कर रहे होते दूसरे को,
या तो अपनी डेस्टिनी को ब्लेम कर रहे होंगे, या मान लेते हैं आपका वीनस एफ्लिक्टेड, हमें तो स्पाउस सही नहीं मिला। सैटर्न एफ्लिक्टेड, हमें तो करियर में सही बॉस नहीं मिले, सही हमारा तो करियर जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आप दूसरा साइड देखिए, इन सारे एरियाज में जब भी अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है किसी प्लेनेट, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वहां पे आप नोटिस करेंगे आपके पास दोनों चॉइस आई, सही भी और गलत भी। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं लोग, सही डायरेक्शन को ना चूज करके खुद ही रॉन्ग डायरेक्शन चूज करते, उसके बाद फिर वो रो रहे होते हैं कि नहीं, हम हमारी लाइफ में तो ये हो गया, हमारा तो डेस्टिनी ऐसा था, हमारा तो पास्ट लाइफ ऐसा था। भाई हर चीज अगर पास्ट लाइफ पे ही डिपेंडेंट, मान लेते ठीक है, अभी मान लीजिए कि सारी चीज पास्ट लाइफ से ही डिफाइंड है, अब इस लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो हम आए क्यों थे, हम किस लिए आए, फिर तो हमको आना ही नहीं चाहिए था, या वो चार्ट देख ही क्यों रहे जब सब उसमें यही है पास्ट लाइफ, तो हर हाउस में लिख देना चाहिए था पास्ट पास्ट पास्ट, तो बस खत्म हो जाता है। कोई तो रीजन होगा, तो रीजन यही है ना कि मान लेते हैं आपके जो अच्छे बुरे कर्म हैं, बुरे हैं तो अच्छे हैं, उनको भोगने के लिए आए, और आपके पास ऑप्शन है कि अब आप सही डायरेक्शन में चल के उनको भोग के और उन कर्मों को यहीं पे खत्म कर सकते हैं, या गलत डायरेक्शन में चलिए फिर से और नए कर्म क्रिएट करते रहिए, तो फिर आपका नेक्स्ट बर्थ होगा, फिर से आप यही कहेंगे हम पास्ट लाइफ से लेकर आए, तो ये नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा। तो जब भी आप किसी प्लेनेट को देखेंगे, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, प्लेनेट आप छोड़ दीजिए चलिए ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होने वाला होगा, किसी भी नेटिव की लाइफ, कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई इंडिकेशन या गाइडेंस जो है नेचर दे देते। इन जनरल देखिए होता क्या है कि हम उसको इग्नोर करते, और हमें गलत गाइडेंस मिल रही होगी, गलत रास्ता मिल रहा होगा, हम उधर चले जाएंगे। बाद में जब हमारे साथ गलत हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जब हम सफर करते हैं तो हमको याद आता है कि अरे ऐसा हुआ था, उसने हमसे कहा था, या इस तरीके का इंडिकेशन मिला था, हमने फॉलो नहीं किया। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई रॉन्ग पाथ आपने चूज किया, तो उसके पहले आपको इंडिकेशन नहीं मिला। बस यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि आजकल लोग सफर क्यों कर रहे हैं और पहले क्यों कम कर रहे थे, क्योंकि पहले लोग आप देखिए 100 200 500 साल पहले ठीक है, लोग सही गाइडेंस फॉलो करते थे, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा था, उसके अपने रीजन है, सोशल स्ट्रक्चर भी, नॉलेज भी, सही लोग भी थे गाइडेंस देने वाले, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, और कोई डिफरेंस नहीं, कि पहले के लोग नॉलेजेबल भी होते थे, सही गाइडेंस फॉलो करते थे, आप खुद खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो सही लोगों से गाइडेंस लेते थे, सही गाइडेंस देने वाले लोग अवेलेबल थे, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, इसलिए वो बहुत कम जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जाते। और आज के टाइम में डिफरेंस यही है, आज के टाइम सारी चीजें पहले के कंपैरिजन में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन हम परेशान हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि मोस्टली लोगों का डिसीजन मेकिंग खराब है, पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग गाइडेंस देने वाले, या तो सही लोग अवेलेबल नहीं, या जो गाइडेंस देने वाले वो भी वैसे ही, क्यों भाई आप देखिए ना, पहले लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, वेल्थ क्रिएट करने के इतने सोर्सेज हैं, आज के टाइम सोर्सेज भी ज्यादा हैं, लोगों के पास अर्निंग भी ज्यादा है। लेकिन आपने कभी 100 साल पहले अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट के टाइम सुना था कि हम बैंकरप्ट हो गए? अभी आप सुनिए लोगों को बैंकरप्ट हो रहा है, तो बैंकरप्ट कौन हो रहा, पैसा है जिसके पास वही तो बैंकरप्ट होगा, जिसके पास है ही नहीं वो बैंकरप्ट नहीं कहलाएगा ना, एक पुअर आदमी को हम बैंकरप्ट नहीं कहते, जो लेबर क्लास आदमी, तो ये बैंकरप्सी क्या बता रहा है भाई, वेल्थ था इसके पास, इसने गलत डायरेक्शन चूज किया, सही से उसको हैंडल नहीं किया, अब ये बैंकरप्ट हो गए। मैरिज रिलेशनशिप की बात कीजिए, पहले हार्डली आपको मल्टीपल मैरिजेस मिलेंगे, कॉमन पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, आप टेम्परर हो उनकी बात छोड़ दी, चलती थी, अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप डाइवोर्स ले लीजिए, सेपरेट हो जाइए, लिव इन में रह लीजिए, सारे रिसोर्सेज, सारे सब कुछ अवेलेबल ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको आसपास नहीं मिल रहा कोई पार्टनर, आप दूसरी कंट्री में ढूंढ लीजिए ठीक है, आपका बस चले तो आप दूसरे प्लेनेट पे भी ढूंढ लीजिए, फिर भी लोग परेशान है, क्यों, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, ज्यादा रिसोर्सेज की वजह से क्या सही डायरेक्शन नहीं चूज कर, प्रॉब्लम यही है सिर्फ।
तो ये चीजें आप देखेंगे, सबसे प्रॉब्लम जो रूट कॉज का है वो यही है। करियर में आप देख लीजिए, पहले आदमी एक जॉब मिल जाती थी, कर रहा है लाइफ लॉन्ग। अभी लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, स्विच कर लेते हैं हर साल, एक साल में। और आप देखिए सबसे ज्यादा परेशान है, हमारी जॉब में वर्कलोड ज्यादा है, जॉब ब्रेक हो गई, कंपनी ने निकाल दिया, जितने ज्यादा रिसोर्सेज उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम। अब अलग अलग प्लैनेट यही चीजें बताते हैं, ठीक है। कोई भी प्लैनेट जो है वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या सही डायरेक्शन आप चूज कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन चूज कर। अगर वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आप देखिएगा आपके पास सही और गलत दोनों ऑप्शन आएगा, आप गलत की ही तरफ जाओ। भैया महाभारत में देखिए क्या था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ऑप्शन मिला था ना, भगवान कृष्ण जी ने दोनों को ऑप्शन दिया था कि आपको जो चाहिए मांग लीजिए। पहला ऑप्शन उन्होंने दुर्योधन को ही दिया, ठीक। दुर्योधन ने क्या कहा, हमको नारायणी सेना चाहिए, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास ऑप्शन थे, दुर्योधन के पास भी था, या तो नारायण को चूज कर लीजिए, नारायणी सेना। दुर्योधन ने कहा हम नारायणी सेना लेंगे, और बाद में आप रिजल्ट देखिए। तो हमारे साथ भी वैसा ही। अब आप देखिए किसी भी प्लेनेट को ले लीजिए, बस ये है कि अलग अलग मैलिफिक अलग अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, या आपका डिसीजन मेकिंग खराब करेगा। वीनस बैठ गया राहु के साथ, क्या है, राहु के साथ बैठ गया, ठीक है, बाकी सारी प्रॉब्लम आप देखिए होगी कि आपके इंटर कास्ट मैरिज रिलेशन सब चीजें हो सकती। लेकिन आप हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, गलत डिसीजन की, होता क्या इन लोगों के साथ, आप देखिए इनके पास जब सही पार्टनर आ रहे होंगे या सही लोग आ रहे होंगे तो ये खुद नहीं ध्यान देंगे। जैसे ही कोई गलत इंसान आएगा उसके तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या दूसरा साइड आप देखिए क्या होता है, वीनस राहु वालों के साथ क्या होता है कि पहले कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा, अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हैं तो भी, या वैसे जैसे ही एक रिलेशन आएगा आप देखिए दो तीन और ऑफर आ जाएंगे। जैसे ही एक रिलेशन स्टार्ट हुआ दो तीन प्रपोजल या ऑफर और आ गए। अब हुआ क्या, जब मल्टीपल आ गए तो कंफ्यूज हो गए, राहु कंफ्यूजन का कारण। तो फाइनली ये क्या करेंगे, तीन आ गए चार आ गए प्रपोजल, मैंने अरेंज मैरिज के भी केस में देखा है, लव मैरिज के केस में, ये जो सही होंगे ना उनको छोड़ देंगे, जो रॉन्ग वाला होगा उसको ही चूज करेंगे। और बाद में ये लोग खुद ही रोते हैं सर पकड़ के कि पता नहीं क्या सोच के इसको चूज किया था, इससे अच्छे अच्छे ऑफर आए थे। राहु उस वीनस के साइन में स्टिल गिव्स द सेम रिजल्ट, और अगर ये वीनस के साथ है तब ज्यादा। वीनस के साथ होगा तभी स्ट्रांग रिजल्ट देगा, साइन में होगा तो रिजल्ट दे सकता है पर उतना प्रोमिनेंट नहीं हो। राहु के साथ और भी प्रॉब्लम्स, राहु सैटर्न की तरह बिहेव करता है। मोस्टली क्या होगा, इन लोगों का मैरिज या रिलेशन किनके साथ होता है, किसी डिवोर्सी के साथ, या वो इंसान जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में सेटबैक या ब्रेकअप देख चुका हो, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे लोगों की लाइफ में मोस्टली वही लोग आएंगे, ऐसे लोग जिनका एक ब्रेकअप हुआ था और वो आपकी लाइफ में आ गए। तो होता क्या है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही वो इससे रिकवर हो जाते हैं चले जाते हैं। मैंने मोस्टली देखा है वीनस राहु वालों, उनका यही कंप्लेन होता है बाद में कि हमारे पास ऑफर तो बहुत आए थे, प्रपोजल भी बहुत आए थे, लेकिन पता नहीं क्या सोच के तीन लोग आए थे या चार आया था प्रपोजल, हमने इसको चूज किया, और जितने हमने रिजेक्ट किए तो इनसे तो बेटर थे मुझे लगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही आया ना कि आपके पास चार रास्ते थे चूज करने के लिए, भाई आप किसी मेन सिटी के एरिया में जाएं जहां पे दो तीन रास्ते जा रहे हो, आपको अपना रास्ता चूज करना है, आप गलत रास्ते पे चले गए, लौट के आप यही कहेंगे ना अरे ये वाला रास्ता हमारा था, अभी यहीं से निकल के गए और नहीं ध्यान दिया। तो ये आप अक्सर नोटिस कीजिए, वीनस राहु वालों के साथ ये मैंने प्रॉब्लम देखा है। और ऐसा नहीं कि सबका खराब है मैरिड लाइफ वीनस, इनमें से जो केसेस आप देखिए बहुत हैं जो सही डायरेक्शन सही गाइडेंस ले रहे हैं, या उनका विजडम सही काम कर रहा है, वो देखिए वो नहीं परेशान है। इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों, इसका रीजन ये जुपिटर आपकी विजडम और गाइडेंस का काम है, ठीक है। हमारे पूरे यूनिवर्स में आप देखिए हर एक चीज तत्वों पर बेस है, फाइव एलिमेंट, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ठीक। हमारी राशियों को भी इन्हीं तत्वों पर क्लासीफाई किया गया है, नाइन प्लैनेट के भी अलग अलग तत्व। लेकिन आप देखिए जो हमारे साइन यानी राशियां हैं उनमें चार तत्व हैं, लेकिन आकाश तत्व की कोई राशि नहीं, स्पेस।
लेकिन अब प्लैनेट देखिए, प्लैनेट में सिर्फ जुपिटर है जिसके पास आकाश तत्व है, बाकी सारे प्लैनेट कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, फायरी प्लैनेट है, कोई वायु तत्व के हैं, एरी प्लैनेट। लेकिन आकाश तत्व में कोई राशि नहीं है। लेकिन आकाश तत्व का काम क्या होता है, वो बाकी जितने एलिमेंट है उनको बांध के रखता है, उनको बाइंड करने का काम आकाश तत्व। जितने भी हमारे, तो जुपिटर आकाश तत्व है, जुपिटर आपकी गाइडेंस, गुरु और नॉलेज को रिप्रेजेंट, आपकी विजडम। तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि आकाश तत्व यूनिवर्स में हर तत्व में मिला हुआ है, हर एलिमेंट में। तो आपके जितने बाकी 8 प्लैनेट हैं उनमें जो है आकाश तत्व है, तभी वो बंधे हुए हैं या फंक्शन कर पा रहे। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुपिटर का एलिमेंट हर एक प्लैनेट में है। तो जुपिटर आपकी ओवरऑल विजडम है, इन जनरल आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपका डिसीजन मेकिंग। जुपिटर बताता है आप सही और गलत में क्या डिफरेंस। लेकिन हर एक प्लेनेट इसी तरीके से बिहेव कर रहा है, वो अपने अपने एरिया में आपकी विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन सब में जो उन सभी में जुपिटर का आकाश तत्व है। ठीक, तो सारे प्लेनेट आपका वीनस है, वीनस में भी वो आकाश तत्व, वो वीनस बता रहा है रिलेशनशिप में आपका विजडम कैसे काम करेगा, आप सही या गलत डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मार्स बता रहा है प्रॉपर्टी के मैटर में, मार्स बता रहा है आपका करेज, आपका विल पावर, उस मैटर में आपका डिसीजन कैसे काम करेगा, उसमें भी आकाश तत्व। बिना आकाश तत्व के कोई भी एलिमेंट नहीं, क्योंकि जितने भी तत्व, चाहे वो जल तत्व है, चाहे अग्नि तत्व है, चाहे पृथ्वी तत्व, उनको बांधने का काम, बाइंड करने का काम आकाश तत्व को। तो हमको क्या लगता है कि एक जुपिटर है, लेकिन वो जुपिटर का एलिमेंट सारे 8 प्लैनेट में मिलेगा। मार्स आपका एग्रेशन है, एग्रेशन अगर सही डायरेक्शन में हो तो आपके लिए ब्लेसिंग है, गलत डायरेक्शन में चला जाए तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, उसमें भी वो आकाश तत्व। भाई एक इंसान, दो लोग हैं, एक इंसान आर्मी पे अपना करेज दिखा रहा है बॉर्डर पे जाके, एक आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अननेसेसरी लोगों से लड़ रहे हैं, तो वहां पे वही आकाश तत्व का प्रॉब्लम, वही जुपिटर का प्रॉब्लम उस पर। इसीलिए देखिए जुपिटर सबसे ज्यादा चीजों का कारक है, जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाए तो लाइफ में सीवियर चैलेंजेस है। मरकरी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन, उसमें भी आकाश तत्व। भाई आप कब बोलेंगे, किससे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, ये डिपेंड करता है ना। आप दिन भर बोलते जा रहे हैं अननेसेसरी, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, या आपको जहां बोलना था आप बोल ही नहीं रहे। सैटर्न आपके करियर का कारक है, करियर में क्या डिसीजन लेंगे वो सैटर्न बता रहा है, उसमें भी वो जुपिटर का आकाश तत्व। तो अगर सैटर्न एफ्लिक्टेड हो गया तो करियर में आपके डिसीजन खराब हो जाए। बाकी प्लेनेट आप कोई भी प्लेनेट देख लीजिए, सैटर्न के बाद आपका केतु है, स्पिरिचुअलिटी का कारक। भाई आपको जाना है स्पिरिचुअल रास्ते पे, आपने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया। ऐसा तो आप देखिए ना, ऐसा तो है नहीं कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं वो सारे सही रास्ते पे ही जा रहे हैं। मून आपका इमोशंस है, इमोशनल लेवल पे आप कैसा बिहेव करेंगे, वहां भी आपको विजडम की जरूरत है। अनकंट्रोल्ड इमोशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा आपको। सन आपका क्या, सन आपके सोल, आत्मा को रिप्रेजेंट कर, इनर वॉइस, वहां भी ये देखना है कि आप की जो इनर वॉइस है, आपको जो गाइडेंस दे रही है, वो आप सही फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जिसमें आकाश तत्व का एलिमेंट नहीं है या जुपिटर का एलिमेंट नहीं। तो जुपिटर एक नहीं है, 9 जुपिटर है। आप सब वीनस राहु का केस आपने देखा, जैसे वीनस सैटर्न के साथ, ठीक है। अब देखिए वो प्लेनेट ये बता रहे हैं कि आप खुद ही उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वीनस सैटर्न के साथ है। इस इंसान का क्या, इस इंसान को मेच्योर पार्टनर चाहिए, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसीलिए मोस्टली अपने से बड़े एज ग्रुप के लोग इनको पसंद ज्यादा आते। अब वहां भी देखिए सैटर्न ना दुख और पीड़ा को रिप्रेजेंट। अच्छा बहुत बार ऑडियंस ये कहती है कि सारा निगेटिव ही बता दो, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पॉजिटिव पूछने कोई नहीं, ठीक है। मैं ये कई बार कहती, ठीक है। तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना, फैंटेसी लैंड में रहने से कोई फायदा नहीं है, कि अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, सब पॉजिटिव है। भाई कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास नहीं, ठीक है, अभी तक इतनी कंसल्टेशन में, ठीक है, हार्डली एक दो कोई कंसल्टेशन होगी जिसने कहा होगा अरे हम बस नॉर्मल गाइडेंस लेने, वरना कौन आता। तो ये अननेसेसरी ना एक वो करने से कि भाई आपने निगेटिव बता दिया, निगेटिव नहीं, जो है प्रॉब्लम आप उसको एड्रेस कीजिए, और ये प्रॉब्लम है
ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप खुश रहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है। अच्छा, रही बात पॉजिटिव साइड की, तो पॉजिटिव इसके बहुत सारी चीजें, मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस में पॉजिटिव भी कवर किया है, ठीक है, हर एक प्लेनेट का। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वीनस को लेकर बहुत वीडियो बना, अपने यहाँ भी हम लोगों ने जब 7000 नमाज का वीडियो किया था, तो आप देखिए अलग अलग प्लेनेट को लेकर, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव देखने कोई सुनने नहीं आता, ठीक है। आप अगर सुनने आ रहे हैं तो आप एक अपने ओवर ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप प्रॉब्लम होगी तभी आएंगे, तो हमें ही पता है वीनस सैटर्न के साथ है, तो आपको वर्किंग स्पाउस मिल सकता है, करियर ओरिएंटेड मिल सकता है, वो सब ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या, आप उसको समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो वीनस सैटर्न के साथ है, सारी ठीक है, मेच्योर है, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल मिलेगा, हार्ड वर्किंग मिलेगा। लेकिन वही वीनस ना सैटर्न ना दुख का कारण, ठीक है, दुख है, पीड़ा है, बर्डन है। ये इंसान क्या करता है, इसका खुद का थॉट प्रोसेस इसी तरीके से, ठीक, इनकी लाइफ में कितने भी अच्छे लोग आ जाए ना, जो दुखी होंगे, परेशान होंगे, ये नेचुरली उनकी तरफ जाते हैं। अब वीनस सैटर्न वाले क्या करते हैं, रिलेशनशिप ना, वो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह नहीं लेते, वो इसको एक चैरिटेबल कॉज की तरह लेते वहां, जबकि रिलेशन ना चैरिटी नहीं है कोई इस तरह कि कोई इंसान बहुत परेशान है, उसका मैरिज नहीं हो रहा, आपके पास आया तो आपने हाँ कर दिया, नहीं नहीं हम ही कर लेते हैं। आप वीनस सैटर्न वालों का यही थॉट देखिए, और फिर बाद में आप परेशान हो रहे। अरे जो आदमी ऑलरेडी दुखी है ना, वो आपको दुखी ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी है, सर ये लड़का बहुत परेशान था, मुझे लगा सुसाइड कर लेगा, तो हम इससे कर लेते हैं, इसलिए हमने ना नहीं किया, ठीक है। बाद में यही लोग परेशान होते हैं, तो ये ध्यान रखिए वीनस सैटर्न है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ कोई परेशान है तो इसलिए हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है, वो परेशान है तो आप और तरीके से उसकी हेल्प कर सकते। ये मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ का इशू नहीं है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प कर दी, कुछ और तरीके से चैरिटी कर दी, ये लाइफ लॉन्ग एक डिसीजन है, और लाइफ लॉन्ग वो इंसान परेशान भी नहीं रहेगा। आज वो परेशान है, थोड़े दिन बाद जब सही हो जाएगा तो फिर आपको परेशान कर रहा है। पर मोस्टली मैंने देखा वीनस सैटर्न के साथ है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ओवर हम्बल, दुखी है कोई इंसान, परेशान है, डिवोर्सी है, सेटबैक के थ्रू गुजर रहा, उसको चले जाएंगे सपोर्ट देने, और सपोर्ट इतने एक्सटेंड में दे लेते हैं कि मैरिज और रिलेशनशिप तक कर लेते। तो ये ध्यान रखिए रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग का एक डिसीजन है, ये कोई चैरिटी नहीं कि आप चैरिटी करने जा रहे हैं। तो आपका वीनस सैटर्न के साथ है, तो आप खुद ही ऐसे दुखी लोगों की तरफ जाओ। वीनस सैटर्न के साथ होगा, इनकी लाइफ में वही लोग आएंगे ना जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, पेनफुल कंडीशन के थ्रू गुजर रहे हैं, अब वो इनकी लाइफ में आ जाएंगे। अब ये सोचते हैं हम उनका दुख दूर कर देंगे, बाद में ये हो जाता है कि खुद ही दुखी हो जाते हैं के साथ। तो यहां भी वही होगा भाई, इनके पास भी लोग सही आएंगे, लेकिन आप इतने सेक्रीफाइसिंग है कि आप उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो दुखी है, तो आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ये आपका गलत डिसीजन। वीनस राहु के साथ एक चीज मैंने और भी देखी कि ठीक ठाक आदमी आएगा ना, ये उसकी तरफ नहीं जाएंगे इंसान, जितने मिस्टीरियस लोग होंगे ना उनकी तरफ ये खुद ही अट्रैक्ट होते, इनको मजा आता है, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक थी, ये उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी क्या मिस्टीरियस, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बस उसमें ही गड़बड़ होती। अब वीनस सैटर्न है, मान लीजिए जब वो इंसान ऑलरेडी परेशान है तो आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, आप ठीक है उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, गाइडेंस दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इतने एक्सटेंड में मत जाइए कि आप मैरिज करने के लिए हाँ कर दीजिए। वीनस केतु के साथ आ जाए, केतु क्या मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, केतु स्पिरिचुअलिटी है वही कारक। जितने आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मिलेंगे या इस तरीके के रिलेशन कि जिनमें एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, बात हो रही है, ठीक है, मिले भी नहीं है, ठीक है, और पहले से अननेसेसरी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लिया, ये पार्टनर अच्छा होगा, ये होगा, बाद में रियलिटी कुछ और निकली, उसमें सब में वीनस केतु का रोल। वीनस केतु के साथ भी होगा, इनकी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, ये क्या करेंगे, इनके साथ भी यही होगा, इनको सही लोग मिलेंगे, लेकिन राहु केतु एक जैसा ही बिहेव करते हैं, ये हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो मिस्टीरियस हो, इसीलिए जो इंसान दूर रह रहा होता है ना इनसे, उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहती है, क्योंकि सामने है नहीं तो रियलिटी है नहीं पूरी,
ये बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, और जैसे ही वो इंसान सामने आएगा मिलेंगे ना, एकदम से डिटैचमेंट स्टार्ट। और वीनस केतु वालों के साथ इसीलिए मैंने देखा है, उनके रिलेशनशिप में मिस्टेक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। या तो अपना रिलेशनशिप कोई ना कोई मिस्टेक किया इस वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक करेंगे। तो सैटर्न है, राहु है, केतु, मार्स है। आप देखिए मार्स एग्रेशन का कारक, इंपल्सिव, राहु कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम दे रहा था, केतु एक्सपेक्टेशन और मिस्टेक्स की वजह से, सैटर्न क्या ओवर हम्बल होने की वजह से। मार्स है आप एग्रेसिव हैं, इंपल्सिव, अभी लोग बहुत सडन डिसीजन लेते हैं, इंपल्सिव हो, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे, सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होगा, ब्रेकअप भी सडन हो जाएगा। और एग्रेसिव होने की वजह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और ओवर पजेसिव हो जाते। लेकिन वही मार्स अगर पॉजिटिव है ना, आप अपनी विजडम का, समझदारी का यूज करके, तो उस मार्स के बहुत सारे पॉजिटिव साइड, आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी, ये रिलेशनशिप के एक इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन होता क्या है कि जब आप निगेटिव साइड जा रहे होते हैं ना, आप सही रास्ता नहीं चूज करेंगे, तो एग्रेसिव होने की वजह से आप गलत डिसीजन ले रहे, गलत इंसान के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, या कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपका रिलेशन ब्रेक कर। तो इन सब में आप देखिए, वो जुपिटर का जो आकाश तत्व है वो मिसिंग है, इसीलिए ये सारे प्लैनेट आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते। करियर में आप देखिए इसी तरीके, सैटर्न आपके करियर का कारक है, कोई भी प्लैनेट स्पेशली मैलेफिक है, तब आप देखिए करियर में आप हमेशा गलत डिसीजन, वहां भी यही होगा, सैटर्न राहु के साथ बैठ गया, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब होगा क्या सैटर्न राहु वालों की, आप देखिए हमेशा यही होता है कि इनका जितना एक्सपेक्टेशन होता है ना, उससे लो लेवल की ही जॉब इनको। और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, या जितना स्किल नहीं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना भी नहीं कर पाते, और रिलेशनशिप में फिर सॉरी करियर में फिर इसीलिए परेशान रहते। अगर आप सही डिसीजन लेंगे करियर में तो ठीक है, जितना स्किल है कोई बात नहीं, आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखिए मत, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ग्रो करने के लिए लो लेवल से भी शुरू करना पड़ता है, आप प्लान तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप समय के साथ आपका ग्रोथ होता रहे। केतु आ गया, राहु केतु एक तरह से बिहेव करते हैं, केतु राहु से भी ज्यादा एक्सट्रीम है इनकी, केतु वालों की क्या होती है, सैटर्न केतु के साथ बैठे, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है किसी के अंडर में काम करना ही नहीं, बिल्कुल अथॉरिटेटिव पोजीशन, टॉप लेवल की पोजीशन या इंडिपेंडेंट, इसी वजह से मैंने देखा ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं अगर प्लान तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में काम, अदर अदरवाइज प्लान तरीके से काम नहीं किया ना, तो केतु एक्सट्रीम हेडलेस बना देता, और फिर होता क्या है, या तो इनका करियर शुरू नहीं हो पाता या बार बार ब्रेक आते रहे। बात वहीं पे आ गई कि आपने डिसीजन अपने खराब लिए सैटर्न केतु, लेकिन सारे सैटर्न केतु वाले परेशान नहीं ना, सैटर्न केतु वालों का एक खास बात होता है, सोचते बहुत ज्यादा है ना, तो आप देखिए करियर के मैटर में कुछ भी डिसीजन लेना हो या डेली ऑफिस का ही काम करना, ये मेंटली बस सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचेंगे इतना ज्यादा सोचेंगे, इससे फाइनली कंफ्यूज हो जाते हैं, और होता क्या है कि इंपल्सिव होके फिर गलत डिसीजन लेते, क्योंकि केतु मार्स की तरह बिहेव करते, जबकि इन लोगों को क्या चाहिए, एक प्रॉपर डायरी मेकिंग करें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखें, और आप देखिएगा जब ये आदमी राइट डाउन करने लगेगा, नोट करेगा हर एक चीज को प्लान तरीके से, और फिर डिसीजन लेगा ना, तो इनके डिसीजन उतने खराब नहीं होते, क्योंकि होता क्या है कि देखिए आप मेंटली सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर आप कब डिसीजन ले लेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप सोच रहे होते हैं और आप लिखने लगेंगे ना, तो लिखने और सोचने के बीच में जो पॉज आता है ना, बहुत बार उसमें आपके डिसीजन चेंज हो जाएंगे। आप देखिए आपको कई बार ना होता है हम लोगों के साथ कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिजायर होती है कि ये काम अभी करना है, लेकिन अगर ना हो पाए किसी रीजन की वजह से, 2-3 मिनट थोड़ा सा भी डिले हो जाए कुछ हो जाए, तो हमारा थॉट खुद ही चेंज हो जाता है, अच्छा रहने दे। तो ये वैसा ही है, आप नोट करने लगे, आप लिखते रहेंगे ना, लिखते लिखते तो क्या होगा, सडनली जैसे ही आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा, ब्रेन को,
हो सकता है आपका थॉट ही चेंज हो जाए कि हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं ऐसा, या दूसरे तरीके से कर। क्योंकि केतु वाले अक्सर क्या होता है, सैटर्न केतु वाले, आप उनको कह दीजिए कि हाँ आप नोट करना शुरू कीजिए अपने प्लान, नोट्स बनाना, उनको नहीं पसंद आता। लेकिन केतु वालों को लिखना पसंद नहीं, जिस हाउस में केतु होगा उस उन चीजों को आप राइट डाउन नहीं करना। सेकेंड हाउस में केतु, आप कह दीजिए अपने वेल्थ के बारे में जो भी डिसीजन लेना है प्रॉपर राइट डाउन कीजिए स्टेप बाय स्टेप, तब प्लान कीजिए, उनको नहीं पसंद आएगा। लेकिन इनके गलत डिसीजन का रीजन ही होता है, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर गलत डिसीजन ले। तो केतु का ये सिंपल सॉल्यूशन, वीनस केतु है तब भी ऐसा ही है, आप रिलेशनशिप के बारे में केवल सोचिए मत, ठीक है, आप उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए और तब सोचिए, आप देखिए आपका डिसीजन शायद खुद चेंज हो जाए, और गलत डिसीजन लेने से आप, मैंने मोस्टली देखा केतु जिस हाउस में हो, जिस प्लेनेट के बारे में, जिस प्लेनेट के साथ हो, वहां पे आप लिखना पसंद नहीं करते। तो सेकंड केतु वाले भी इसी तरीके से गलत डिसीजन लेते, तो जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है वो जुपिटर एलिमेंट है, यहाँ पे खराब है। उसका एक रीजन और भी आप देखिए कि कोई भी प्लेनेट जितने मैलेफिक है सैटर्न मार्स राहु केतु, वो किसी प्लेनेट के साथ बैठे हैं तो क्यों प्रॉब्लम देना है, क्योंकि आप नेचुरली भी देखेंगे ना कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा है कि जहां पे जुपिटर वीक हो रहा है। काल पुरुष के चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है, राहु 9th हाउस में मरण कारक, सैटर्न एक मैलेफिक है, सैटर्न का जो साइन है कैप्रिकॉन, वहां जुपिटर डेबिलिटेटेड हो जाता है, मतलब ये जितने मैलेफिक है उनका कहीं ना कहीं जुपिटर से कोई ना कोई वीक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं नहीं। मार्स एग्रेशन है सब कुछ है, ठीक है, मार्स कैंसर में डेबिलिटेटेड होता है, उसी कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, मार्स एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉन में, वहीं पे जुपिटर डेबिलिटेटेड हो जाता है। आप देखिए सैटर्न मार्स राहु केतु ये सारे जितने मैलेफिक हैं, ये प्रॉब्लम ही डिसीजन मेकिंग को लेके इसलिए दे रहे हैं, गलत डिसीजन आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जुपिटर वाला एलिमेंट है इनकी राशियों में या इनके हाउस में, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वीक हो रहा है। तो इसको आप ओवरऑल एक्सपेंड कर सकते हैं हर प्लेनेट को लेके, वीनस का उन्होंने एग्जांपल लिया, सैटर्न का लिया करियर को लेके, ठीक है, सैटर्न मार्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े एग्रेसिव ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। मार्स को इसीलिए पॉवर्टी का भी कारक आ गया एक तरह से, क्योंकि यही बात है कि आप बिना सोचे समझे एग्रेसिव हो जा रहे हैं, बहुत फास्ट इंपल्सिव काम कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है आपके पास। तो इस वजह से सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम दे रहा है करियर, ये सबकी प्रॉब्लम लेके आगे जाएंगे, बट जिसकी प्रॉब्लम लेके बॉस के पास जा रहे हैं या बॉस के लिए खड़े हो रहे हैं बॉस के सामने, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो खुद आगे जाना चाहता है कि नहीं, या आप ही जा रहे हैं। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज और भी देखिए, आज के टाइम ना लोग चैरिटी बहुत ज्यादा करते, पहले से कहीं ज्यादा। आपने कभी नोटिस कीजिए, आपने अपने पेरेंट्स या अपने फादर मदर को भी नहीं देखा होगा इतना डोनेशन करते हुए जितना शायद आपने कर लिया हो, या करते होंगे, वो भी ऐसा नहीं कि वो लोग करते नहीं थे, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे कभी आपने नहीं सुना होगा, कभी आपके फादर ने बताया हो कि हाँ हम यहाँ पे इतना डोनेशन दे रहे हैं, इसको कर रहे हैं, या आपकी मदर को कभी सुना, कुछ स्पेशल ओकेजन छोड़। आज के टाइम आप देखिए चैरिटी करने वाले लोग बहुत हैं, मेरे अपने नोन में जितने लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं सब किसी ना किसी तरीके से मैंने देखा चैरिटी कर ही रहे हैं, जितना भी कुछ को छोड़ दिया जाए। तो आप ये भी सोचिए ना, जब इतने ज्यादा लोग चैरिटी करने वाले, इतने ज्यादा लोग डोनेशन देने वाले, इतने ज्यादा लोग हेल्प करने वाले, तो भी प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म। इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट कहती है हम फ्री राशन दे, 135-140 अप्रोक्सीमेट तो पॉपुलेशन ही है इंडिया की, 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फ्री में खाना दे, आप कितने बचे 60-70 करोड़, ठीक, 60-70 करोड़ में मान लेता हूँ चलिए 25 करोड़ ही अभी, ठीक है, बाकी सब अन, उन 25 करोड़ में आपको बता दूं एटलीस्ट 10 करोड़ लोग तो ऐसे बेचारे जो कहीं ना कहीं चैरिटी कर ही रहे, ठीक, पर एक्सट्रीम लेवल पे कर, तो देखा जाए तो फिर मोस्टली लोग तो कवर ही हो गए जिनके पास कुछ नहीं।
तब भी आप देखिए यहाँ भूखे लोग मिल जाएंगे, तब भी आप यहाँ चले जाइए, आपको ओवरब्रिज के नीचे लोग सोते मिल जाएंगे, रोड साइड में मिल जाएंगे, क्यों? यहाँ भी प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम ये नहीं कि हम चैरिटी डोनेशन किसको कर रहे हैं, किसे करना चाहिए, कौन नीडी है, वो भी हमें पता होना चाहिए, हम बस कर रहे हैं। तो कोई भी एक्ट करा जाए, कोई भी डिसीजन लिया जाए, अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा। अब आप गलत इंसान को चैरिटी कर रहे हैं, गलत इंसान को डोनेशन देंगे, जिसको जरूरत नहीं तो क्या फायदा, तो वेस्टेज हो गया ना। इसी तरीके से हर एक प्लेनेट बता रहा है कि इस एरिया में आपका डिसीजन कैसा है, ठीक है, अगर लेकिन वहां पे आप डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत स्किल्ड हैं, बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप एक चीज और नोटिस कीजिए, डे टू डे लाइफ में जितने लोग आप देखिए, जिनको हम उन लोगों की कैटेगरी में रखते हैं बैड बॉयज, ठीक, वो सारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो। प्रॉब्लम क्या है? गलत डायरेक्शन, गलत डिसीजन। जितने भी प्लैनेट हैं, वीनस जितने मैलेफिक के साथ बैठ जाए, सैटर्न के साथ मैलेफिक बैठ जाए, उस पर्टिकुलर एरिया में आप देखिए वो नेटिव बेस्ट होगा। वीनस केतु, वीनस राहु, वीनस सैटर्न वाले, इनसे बेस्ट पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे। वीनस राहु वाले एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आप देखिए एक्सट्रीमली डिवोटेड। वीनस केतु वाला हो सकता है एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो इंसान, रिलेशनशिप एक्सट्रीमली डिवोटेड हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। वीनस सैटर्न वाले बहुत डिवोटेड हो, फिर क्यों परेशान? क्योंकि इनका जो ये डिवोशन है, ये गलत डिसीजन, गलत डायरेक्शन में, गलत लोगों को लेकर हो। प्रॉब्लम वही डिसीजन मेकिंग का। आप हमेशा देखिएगा वीनस राहु, वीनस केतु, वीनस सैटर्न, ये डिवोटेड होते हैं बट गलत इंसान। सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, सैटर्न मार्स एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पर वो जो हार्ड वर्क है, वो टैलेंट है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत लोगों के लिए काम कर रहा है। और हम क्या करते हैं? ब्लेम करते रहते हैं, हमें तो सही पार्टनर नहीं मिला वीनस केतु सैटर्न राहु, हम तो जैसा करियर चाहते तो मिला ही नहीं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन वाले सारे लोग तो परेशान नहीं है ना। तो आप इसको चार्ट से देखिए, और आप चार्ट रीड करने से पहले ना आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, डे डे टू डे लाइफ में हो क्या रहा सोसाइटी में। आप देखिए यही चीजें आपको सोसाइटी में, भाई कौन नहीं डोनेशन कर रहा? डोनेशन छोड़िए, आप इंडिया को ले लीजिए, लोग डोनेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, फॉरेन से इतना फंड आता है एनजीओ के थ्रू, ठीक है, फिर भी पॉवर्टी नहीं जा रही, ठीक है, फिर भी लोग रोड पे सो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? या तो सही जगह जा नहीं रहा है, ठीक है, या सही लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, या सही यूज नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो मिस यूज हो रहा है, वो गलत डायरेक्शन और गलत डिसीजन मेकिंग है। तो जब भी आप चार्ट रीड करें किसी भी प्लेनेट को लेके, और वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, 6 से 12 के लॉर्ड के साथ बैठ गया है, सैटर्न मार्स राहु के, तो जो नेचुरल मैलेफिक, आप देखिए आपका खुद का डिसीजन तो नहीं खराब हो, आप कंफ्यूज हैं, तो बेटर है कि सही लोगों से गाइडेंस। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं, अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड, आपको सही गाइडेंस मिलता भी। जैसे जुपिटर आपके गुरु का कारक, ठीक, राइट, जुपिटर गुरु का कारक, जुपिटर राहु के साथ बैठ जाए, इनकी लाइफ में सही टीचर आएंगे ना, ये उनको खुद इग्नोर करेंगे, और वो टीचर जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, जिसने केवल ऐसा फेक वो बनाया होगा, उसकी तरफ इनका अट्रैक्शन। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा जो सोशल मीडिया वाले गुरु हैं, टीचर, उनको लेके बड़े ऑब्सेस्ड होते। चॉइस आएगा इनके पास, ऐसा नहीं आएगा। जुपिटर केतु है, ये भी ऐसे ही, ये भी मिस्टेक करेंगे, सही गुरु आए तो चूज नहीं किया, या उनको इग्नोर किया, या जो सही आएगा ना उसको लेके ऐसा परेशान, अरे इसको कुछ नहीं बताओ, और जो फॉल्स कोई होगा बस उसकी तरफ पागल हो जाए। जुपिटर राहु, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर केतु, ऐसे लोगों को इसलिए सही गाइडेंस और गुरु नहीं मिलता। तो आपके चार्ट में नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, जुपिटर एफ्लिक्टेड, आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिलता। इसी तरीके से जो प्लेनेट एफ्लिक्टेड है उस पर्टिकुलर एरिया में, इसीलिए आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो प्लेनेट आपके गाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेलिजेंस को, कि उस एरिया में आप क्या गाइडेंस फॉलो करेंगे, कैसा डिसीजन ले रहे हैं, क्या डायरेक्शन चूज। तो आपको सही गाइडेंस मिलता नहीं, और मिलता भी है तो बहुत बार इसीलिए लोग उसको फॉलो नहीं करते, आप देखिएगा। पर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज ये भी है, वीनस राहु, वीनस सैटर्न, आप इनको एडवाइस दे दीजिए कंसल्टेंसी में, भाई आप ऐसा करिएगा, फॉलो नहीं करेंगे, आप देखिएगा परेशान हो। सैटर्न राहु, सैटर्न के, तो आप इनको एडवाइस दे के देखिए, हार्डली कोई फॉलो करेगा। तो जिस तरीके से जुपिटर एफ्लिक्टेड है, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता, और मिलता है तो आप फॉलो नहीं करते। वैसे ही जो भी प्लैनेट सीवियरली एफ्लिक्टेड है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, या मोस्टली मैंने देखा गाइडेंस मिलता है वो उसको फॉलो नहीं करता।
मैंने वीनस केतु वीनस राहु वालों को देखा, आप इनको एडवाइस दे भी दीजिए, इतने ऑब्सेस्ड होते हैं भाई। ठीक है, ये मानते नहीं, मानेंगे तभी जब सेट बैक हो जाएगा, उसके बाद भी इतनी जल्दी नहीं मानते। सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, मां सैटर्न वाले, आप इनको कुछ भी समझा लीजिए करियर को लेके, ये सुनने वाले नहीं। जुपिटर राहु, जुपिटर केतु, जुपिटर सैटर्न, इस तरीके के प्लैनेट हैं, आप बता दीजिए भाई ये गुरु नहीं सही है, ठीक है, वो नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑब्सेशन ही ऐसा देते। किसी भी चार्ट को रीड करते हुए आप ये मत समझिए कि ये प्लेनेट वीनस आपका स्पाउस है, सैटर्न आपका, अरे वो आपका भी डिसीजन है, उसमें जो आकाश तत्व है, जुपिटर वाला एलिमेंट है, वो मिसिंग है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप सही गाइडेंस लेंगे, सही डायरेक्शन में। जैसे मैंने कंसल्टेशन किया था, उन्होंने 4 to 5 month पहले, ठीक, तो मैंने उनसे कहा कि आप मत कीजिएगा मैरिज इनसे, ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। हर बार जब भी कोई कंसल्टेशन करता लेता है ना, तो यही कहता है कि आप जो गाइडेंस देंगे हम उसको ही फॉलो करें। हो गया, 4 to 5 month बाद दोबारा कंसल्टेशन, उन्होंने लिखा कंसल्टेशन में कि मुझे अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में जानना, मैरिज हो गया उसके बाद का कंसल्टेशन, पार्टनर के स्पाउस के बिहेवियर के बारे में जानना है, मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है, मैरिड लाइफ चलेगी कि नहीं चलेगी। उसके बाद उन्होंने एक और लाइन लिखी कि आपने मना किया था, इवन आफ्टर दैट आई हैव मैरिड दैट पर्सन, ठीक है, आपके मना करने के बाद भी मैंने इससे शादी कर। अब सोचने वाली बात यह है कि आप मैरिज हो गए तो पार्टनर का बिहेवियर आपको खुद पता चल गया होगा, अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे, मैरिज से पहले जब पूछ रहे थे तो ठीक था। उसके बाद लास्ट लाइन और देखिए तो और इंटरेस्टिंग, आप जो गाइडेंस देंगे हम उसी को फॉलो करेंगे, तो लास्ट टाइम भी तो मैंने गाइडेंस दिया था, तब भी आपने ये कहा था तो फॉलो नहीं किया, फिर से आप वही कहने आए, ठीक है, और मुझे पता है कि इस बार भी नहीं फॉलो करेंगे। कर एग्जैक्टली वही हुआ, जब कंसल्टेशन हुआ तो ठीक है, मैंने बताया कि भाई मैंने तो पहले ही बता दिया था, अब आप देख लीजिए सेपरेशन या उसको देख लीजिए, लेकिन उसका एटीट्यूड सामने वाले का इतना कैजुअल है, लग ही नहीं रहा कोई प्रॉब्लम है, मुझे कहीं से लग नहीं रहा था कि ये इंसान इतना परेशान है कि 3-4 साल की, 3-4 month की मैरिड लाइफ में इसको सेपरेशन चाहिए। और आप एक स्टेप और आगे जाइए, अब क्या अभी तो यहाँ सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक, चाइल्ड बर्थ हो सकता है क्या कंसेप्शन के, तो मैंने सोचा कि जब सेपरेट हो जाएंगे तो चाइल्ड बर्थ कैसे, उनका नहीं इनसे नहीं कंसीव करना, लेकिन पॉसिबिलिटी है चाइल्ड बर्थ, मतलब आप इमेजिन कीजिए ना कि एक तो ऑलरेडी पहले आपने एक गाइडेंस नहीं फॉलो किया उसकी वजह से परेशान, और एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम है जो बताया, फिर आप दोबारा गाइडेंस लेने आए और कह रहे हैं फाइल फॉलो करना, फिर आप तीसरा क्वेश्चन देखिए अपना, वो इसकी वजह से ही उसका वीनस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो गाइडेंस तो मिला था उसको, उसने फॉलो नहीं किया। तो क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको उस कर्मा के थ्रू जाना था? देखिए यही तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था स्टार्टिंग में कि हाँ हमारे कर्म तो है ही, जाना तो है ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कर्म क्या आज 100 साल में ही पैदा थोड़ी होगी, इसके पहले क्यों नहीं ऐसा होता, तब भी कर्म होते थे, लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल पे देखते थे ना, ठीक है, तब इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी। अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ ये कह के एक्सक्यूज हम दे सकते हैं कि ये तो हमारे कर्म थे, ठीक, तो पहले आपके फादर आपकी मदर उनके कर्म नहीं थे क्या, उनके भी हाँ कहीं ना कहीं राहु केतु बैठे होंगे ना, ये जो कार्मिक चीजें वो कहीं स्पेसिफिक होती हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि हर एरिया में, आजकल हर आदमी हर एरिया में ही परेशान है, या ऐसा जनरलाइज नहीं है कि हर किसी को परेशान हो, ये कहीं ना कहीं हमारा गलत डिसीजन है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, नहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाकी कर्म तो है ही, लेकिन वो एक्सट्रीम प्रॉब्लम के लिए, जैसे अब मान लेते हैं आप किसी का चाइल्ड बर्थ हो जाए, ठीक है, बाई बर्थ बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, वो एक कार्मिक हुआ है ना, वो आपके हाथ में चलिए नहीं था, हाँ मतलब मान सकते हैं इतना नहीं, लेकिन अब आपका बच्चा हुआ सब कुछ ठीक ठाक था, अब आपने उसको सही ग्रूमिंग अप नहीं किया, फिर आप कह रहे हैं तो हमारे कर्म ही थे, कुछ चीजें हो है मोस्टली, कई चीजें कार्मिक है, इसमें तो डिनाई नहीं कर सकते कि जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल, लेकिन सारी चीजें ऐसी थोड़ी, अभी आपको हर एक चीजें कार्मिक कह देते हैं लोग, जॉब मिली थी अच्छी खासी, अब लोग आते हैं कितने कितना पैकेज मांगे हम अपनी कंपनी से, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये कार्मिक थोड़ी है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे जब अच्छी खासी जॉब चल रही पैकेज मिल रहा है तो आप कीजिए, समय के साथ ग्रोथ होगा,
अब आप अपने बॉस से जाके कह देंगे मुझे आप 1 करोड़ दे रहे हैं, 5 करोड़ दिए, बॉस उठा के आपको फायर कर देगा, इसमें क्या करना है? ये तो आपके डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है ना, जैसा मैंने बताया। ठीक है, अच्छे लोग आए, मैंने कई लोगों को ये कंप्लेन सुना है, वीनस रावल जिनका मैरिज नहीं हुआ उनका ये कंप्लेन था, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आए थे बट हमने ही उनको रिजेक्ट, अब एक टाइम ऐसा आ गया कि मैरिज हो ही नहीं, ओवर एज, या अच्छे अच्छे आए तो उनको रिजेक्ट करके वो ऐसे इंसान को चूज कर लिया जिसके साथ आप लोग, ये प्रॉब्लम आता है ओवर एक्सपेक्टेशन अननेसेसरी डिजायर्स की वजह से। ये कार्मिक नहीं, ये केवल आप इसको कार्मिक कह के क्यों कर, अगर कार्मिक होते तो हर इंसान को क्यों नहीं हो रहा, एक वीनस राहु वाला खुश भी है ना, तो कार्मिक जो बात है वो बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन आप हर पर्टिकुलर एरिया में ये कह के एक्सक्यूज नहीं देते नहीं ये कार्मिक है इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ चीजें हैं हमारे हाथ में नहीं तो हम मानते हैं। और मैं आपको कहता रहा हूँ सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये, कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आए उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम आज से 100 150 ईयर्स पहले क्यों नहीं, या इतने एक्सट्रीम लेवल पे क्यों नहीं, तब भी ये वीनस राहु सैटर्न केतु होते थे ना, तो इसका कोई आंसर देना, पहले इतने ज्यादा डाइवोर्स के केसेस नहीं होते थे। अच्छा लोग ये बता देते हैं कि नहीं, पहले फीमेल्स को बहुत सप्रेस्ड किया जाता था, ठीक है, क्योंकि मैं इस एक्सक्यूज से पूरी तरह इसको नहीं मानता कि हाँ इतना ज्यादा सप्रेस्ड किया था कि हाँ डिवोर्स ले नहीं सकते थे। अच्छा चलिए, और भी तो प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, जैसा मैंने आपको कहा तब लोग चैरिटी करते थे, इस तरीके से नहीं करते थे, आज तो मोस्टली लोग चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, टीवी न्यूज में आप सुन रहे, तब भी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई, इसका मतलब है कि सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा था। और जो लोग आज भी सही डायरेक्शन सही बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहाँ राहु का इन्फ्लुएंस है वीनस पे, 7th हाउस पे केतु का इन्फ्लुएंस, बहुत अच्छा मैरिड है, सैटर्न केतु सैटर्न राहु वाले बहुत सक्सेसफुल भी, सैटर्न मार्स, ये चीज है। तो व्हाट्स द रेमेडी एंड सॉल्यूशन टू इट? रेमेडी यही है कि आप देखिए हर एक प्लेनेट को लेके आपको कहीं ना कहीं नेचर कोई ना कोई इंडिकेशन कोई ना कोई गाइडेंस आपको देगा जरूर, आप उसको फॉलो कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, प्रॉब्लम यही, ऐसा होता ही नहीं है कि हमको कोई गाइडेंस या इंडिकेशन ना मिले, चाहे आपको अंदर से कोई फीलिंग आ जाए, चाहे कोई थर्ड पर्सन आपको गाइड, कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर मिले, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आप एक भी केस ऐसा मेरे पास ले आए जो ये कह दे कि हमको किसी ने इंडिकेशन नहीं दिया, या हमको अपने अंदर से आवाज नहीं आई थी कि ये चीज नहीं सही, चाहे वो खराब मैरिड लाइफ का केस हो, चाहे वो करियर का हो या कोई और केस, आप एक भी केस ऐसा ले आए तो मैं मान लूंगा, तब मैं मान लूंगा कि हाँ नेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और ये चीज कार्मिक है, या आपके डेस्टिनी ने आपको साथ नहीं दिया। आप एक भी केस ऐसा ले आइए तो मैं मानूंगा कि हाँ एक्सट्रीमली कार्मिक, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर हम इस वीडियो को भी डिलीट कर दें। इतने सारे कंसल्टेशन है, मैंने ये कॉमन फैक्टर देखा, हर किसी को कोई ना कोई इंडिकेशन सपोर्ट किसी पर्सन के थ्रू, या अंदर से आपको वो फील आ जाएगा, या कोई डिवाइन इंडिकेशन, कहीं ना कहीं से नेचर या भगवान आपको कोई ना कोई तरीके से कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देते हैं, यही सॉल्यूशन है इसका, और कोई सॉल्यूशन, इस तरीके से आप अपने प्लैनेट को, थैंक यू. दिस वॉज अ डिफरेंट टॉपिक. आपके साथ तो हमेशा डिफरेंट टॉपिक होता है एंड देर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज ऑल एंजॉयड. थैंक यू. थैंक यू।